नमस्कार दोस्तों, वर्गमूल, घनमूल, घातांक एवं करणी, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सर्ड्स एवं इंडाइसिस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ जटिल प्रश्न, लेकिन जटिल प्रश्नों का सरल हल। आइए देखते हैं इन प्रश्नों के हल क्या होंगे और इन प्रश्नों को जो है आप कैसे लगाने वाले हैं। हो सकता है कि मैं आपको कुछ अलग तरीके बता दूं, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि 9 अंडर रूट एक्स इजक्वल टू अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 147 तो एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है SSC CH SC 2014 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब आइए देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। 9 अंडर रूट एक्स इक्वल टू अंडर रूट 12, तो बड़ी सीधी सी बात है कि पहले हम जो ये अंडर रूट 12 और अंडर रूट 147 है इसको हम देख लें कि ये क्या आता है। ठीक है, क्या इनका जो सर्ट्स है, इनका जो करणी है वो बराबर हो सकती है या नहीं, ये हम चेक कर लें। तो देखिए अंडर रूट 12 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3, यानी ये इक्वल टू हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3। इन द सेम वे अंडर रूट 147, अंडर रूट 147 को देखे, अंडर रूट 147 इक्वल टू अंडर रूट 49 इंटू 3, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जो है 147। अब 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 7 बाहर आ गया, ये हो गया 7 अंडर रूट 3। अब इनको अगर ऐड कर ले, देखिए यहाँ पर ऐड करना है हमें रूट 12 प्लस रूट 147 को हमें ऐड करना है, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 अंडर रूट 3। यानी अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, 9 अंडर रूट एक्स इक्वल टू, इसका सोल्यूशन आ रहा है 9 अंडर रूट 3, 9 9 कैंसिल हो गया, अंडर रूट एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3, इट मीन्स एक्स इक्वल टू 3, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट है, एक्स की वैल्यू आएगी 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है यहां पर, अंडर रूट 0.75 होल क्यूब अपान 1 माइनस 0.75 प्लस विद इन ब्रैकेट 0.75 प्लस वंस अगेन विद इन ब्रैकेट 0.75 स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 0.75 बहुत बार आया है, तो 0.75 को आप कुछ और ले लीजिए, लेट 0.75 इज इक्वल टू एक्स, हमने इसको एक्स ले लिया। ठीक है, आप देखिए ये आपका एक्सप्रेशन जो है ये क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपान 1 माइनस एक्स प्लस यहां पर आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका बन गया। ठीक है, अगर आप 1 माइनस एक्स को एलसीएम ले लीजिए तो अगला स्टेप में ये बनेगा 1 माइनस एक्स, यहां पर आएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा जो है a माइनस b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, 1 माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जो मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी
ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आपको मिल रहा है, और ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो यहां आ जाएगा ए क्यूब यानी वन का क्यूब वन होता है, माइनस बी क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब आ गया। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। यहां पर ए माइनस बी है और इधर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आएगा। अब यहां पर देखिए ये आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है आपका अंडर रूट वन अपान वन माइनस एक्स, एक्स का मतलब है 0.75, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वन अपान 0.25। अब 0.25 का डेसिमल हटाइए, ऊपर हो जाएगा 100, नीचे 25, और ये आ जाएगा अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2। यानी आपका जो आंसर है, आंसर आपको क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका बी राइट ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यदि x इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स क्यूब का मान क्या होगा। देखिए इस पर ध्यान दीजिए, x की वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स का होल क्यूब। देखिए यहाँ एक पेयर बन रहा है एक्स प्लस वन अपान एक्स, और दूसरा ये है एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स का क्यूब। तो इनकी वैल्यू हमें निकालना है, x की वैल्यू दिया है, पहले हम 1 अपान x की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। तो 1 अपान x इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, आप इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करिए, रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपान वन, वन कुछ होता नहीं है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, रूट थ्री का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2 होता है, सॉल्व करेंगे तो वन आ जाएगा, वन अपान एक्स की वैल्यू ये आ गया। यानी कि हमारा हो गया एक्स प्लस वन अपान एक्स, अब इसकी वैल्यू निकालिए तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, और ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब हम जानते हैं कि x प्लस वन अपान एक्स का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वन अपान एक्स और विद इन ब्रेकेट एक्स प्लस वन अपान एक्स। यानी a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a माइनस 3ab a प्लस बी, एक्स एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप ट्रांसपोज इसको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वन अपान एक्स का होल क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस 3 एक्स प्लस वन अपान एक्स। अब आप इनकी वैल्यू रख लीजिए, इनकी वैल्यू आपके पास 2√3 है एक्स प्लस वन अपान का, तो 2√3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2√3। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, और 3 बाहर आएगा, 8 3 जा 24, 24√3 माइनस यहाँ पर 6√3 हो गया, और ये आ गया आपका 18√3। ठीक है, 18√3 आपको नहीं दिख रहा, ये वाली लाइन में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये आ रहा है इक्वल टू 24√3 माइनस 6√3 इक्वल टू 18√3। यानी हमें इसकी वैल्यू मिल गई और इसकी वैल्यू मिल गई। आप दोनों को आप ऐड कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर हमें ऐड करना है, तो अब आप यहाँ पर लिख लीजिए एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू, दोनों की वैल्यू रख लीजिए, इसकी वैल्यू आ रहा है आपके पास 2, इसकी आ रहा है 18√3, और इसकी वैल्यू आ रहा है आपके पास 2√3, ऐड कर देंगे
ये हो जाएगा 20 अंडर रूट 3, यानी आपका आंसर आ गया। यानी आपका आंसर कौन सा है, यहां पर ऑप्शन आपका बी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यदि अंडर रूट एक्स अपान वाई इक्वल टू 10/3 माइनस अंडर रूट वाई अपान एक्स और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8, तो एक्स वाई का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो आइए सबसे पहले यहां से देखते हैं, जो हमारा गिवेन है ये है अंडर रूट एक्स अपान वाई इक्वल टू 10/3 माइनस अंडर रूट वाई अपान एक्स। इसको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, तो अंडर रूट एक्स अपान वाई प्लस अंडर रूट वाई अपान एक्स इक्वल टू 10/3, और जब इसको और सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10/3। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपान एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा ये आपका 100/9। यहाँ तक हो गया। अब आप एक फार्मूला समझ लीजिए, ये है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy, यानी ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy। अब यही वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना है इसकी जगह पर, यह आ जाएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 100/9। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 हो जाएगा। 64 प्लस 4xy अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 100/9। अब इसको अक्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह आ जाएगा 576 प्लस 36 एक्स वाई इज इक्वल टू 100xy। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 64xy इक्वल टू 576, देयर फोर xy इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी 9 राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन, अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, अनंत तक ये है। तो इसको हमने लेट कर लिया, मान लिया कि जो है ये है एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, फिर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दीजिए, इधर का भी और इधर का भी। तो ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, टू प्लस, अब ये मिल जाएगा आपको अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ये चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हमको पता है कि इसकी वैल्यू कितना हमने लिया है, एक्स लिया था, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू प्लस एक्स। अब आप ट्रांसपोज कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0, फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस टू प्लस वन कॉमन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0, यानी ये आया एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू आएगा 2 और एक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस 1। तो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में माइनस 1 तो कहीं है नहीं, ऑप्शन में आपका 2 है, यानी आपका ऑप्शन बी राइट है। ओके मित्रों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो दो संख्याएं कौन सी हैं ये हमको नहीं मालूम है, तो माना दो संख्याएं
एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई का अंतर यानी कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिया है 3, ठीक है। इनके वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 39, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है कि ये दोनों संख्याएं क्या हैं। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 39। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 39/3, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया ये 13, ठीक है। अब मिला हमें एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 8 और वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 5, 8+5 13, 8-5 3। तो ये आ गया एक्स और वाई की वैल्यू। तो हमें बताना है कि बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या आपको यहाँ पर दिख रही है कि बड़ी संख्या जो है इसमें है 8, यानी आपका आंसर हो जाएगा 8 और आपका ऑप्शन सही है डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। यदि ए इज इक्वल टू 64, बी इज इक्वल टू 289, टू अंडर रूट अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए और होल पावर 1/2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ए और बी की वैल्यू दिया है, हम इनका अंडर रूट निकाल लें। तो अंडर रूट ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 64, यानी ये हो जाएगा 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, और अंडर रूट बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 289 और इसकी वैल्यू कितना होता है 17, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर लें। तो ये जो दिया हुआ है ये दिया है अंडर रूट रूट अंडर रूट ए, ये है 8, ब्रेकेट रख लीजिए, और प्लस बी की अंडर रूट बी की वैल्यू 17, माइनस फिर यह अंडर रूट बी यानी 17, माइनस अंडर रूट ए की वैल्यू है 8 और टोटल का है ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करिए क्या आता है, ये 8, 17, 25, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 5, माइनस 17-8 9, 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 3, और ये है टोटल का होल स्क्वायर। आप सॉल्व कर देंगे तो 5-3 यानी 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 आएगा आंसर आपका 4, और ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी सही है, क्योंकि सी में 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, यदि एक्स इक्वल टू 2^1/3 प्लस 2^-1/3, तो 2x³-6x-5 की वैल्यू क्या होगी। ये भी आया हुआ है सीडीएस एग्जामिनेशन 2016 में, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर हमें x³ चाहिए, x की वैल्यू तो दिया है, x³ नहीं मालूम है, x³ की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए x³ इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2^1/3 प्लस 2^-1/3 का होल क्यूब। और आपको पता है कि a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, इक्वल टू ए क्यूब यानी 2^1/3 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2^-1/3 का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 × 2^1/3 × 2^-1/3, ए प्लस बी यानी 2^1/3 प्लस 2^-1/3, ये हो गया, ठीक है। अब जो है आपको इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है, हम इसकी वैल्यू को समझ लें कि ये कितना आता है। ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2^-1 का मतलब है 1/2,
प्लस ये देखिए यहां पर 3 इंटू ये कैंसिल होके 2 की पावर 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0 1 होता है यानी ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 की पावर 1 अपान 3 प्लस 2 की पावर माइनस 1 अपान 3। ये हमारी मिल गई क्या एक्स क्यूब की वैल्यू। ठीक है, अब आप इस वैल्यू को जो है यहां पर प्लेस कर लीजिए तो देखिए यहां 2x क्यूब है तो आ जाएगा 2 इंटू आप ये वैल्यू रख लीजिए 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3 और ये 2 की पावर 1 अपॉन 3 प्लस 2 की पावर माइनस 1 अपॉन 3। ये तो हमारा हो गया इसकी वैल्यू और माइनस ये है 6 एक्स, एक्स की वैल्यू दिया है 2 की पावर 1 अपॉन 3 प्लस 2 की पावर माइनस 1 अपॉन 3 और उसके बाद है माइनस 5। ठीक, अब जो है आगे देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 2 टू जा 4 और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू कैंसिल 1 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 6 और 2 की पावर 1 अपॉन 3 प्लस 2 की पावर माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 6 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 3 प्लस 2 की पावर माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 5। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस में है और एक माइनस में है। अब बचा हमारे पास 4 प्लस 1 कितना हुआ ये इक्वल टू 5 और लास्ट में क्या है 5 और 5 माइनस 5 कितना हो गया 0 यानी आपका आंसर आ गया 0। इट मीन्स जो है आपका ऑप्शन ए सही है, ए में 0 आ रहा है, आपका ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मित्रों, यदि x इज इक्वल टू 91 अपॉन 216 तो 3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल पावर 1 अपॉन 3 का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखिए और सोचिए, दिमाग लगाइए कि क्या कर सकते हैं। हमें 1 माइनस एक्स चाहिए और हमारे पास यहाँ पर x दिया हुआ है तो पहले 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लें तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 91 अपॉन 216। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे 216 इसमें से 91 माइनस कर दें तो 6 में से 1 गया कितना बचा 5 और यहाँ पर 11 माइनस 9 करेंगे 2 और यहाँ पर बचेगा 125 अपॉन 216 बचा, इसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब इसका वैल्यू निकालना है 3 माइनस 1 अपॉन, अब हमें चाहिए क्या 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की वैल्यू है 125 अपॉन 216 का होल पावर 1 अपॉन 3। आप सीधी सी बात है ये 5 का क्यूब है, 5 पचम 25 पंजे 125 और ये 6 का क्यूब है, 6 36 चक्का 216 तो पावर 1 अपॉन 3 यानी क्यूब रूट निकालना है, ये 5 बटे 6 हो जाएगा तो ये इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 5 अपॉन 6। इट इज इक्वल टू 3 माइनस 6 अपॉन 5, 5 3 जाए 15, 15 माइनस 6 कितना हुआ 9 और 9 अपॉन 15 आ रहा है, 9 अपॉन 15 आपके ऑप्शन में है, इट मीन्स आपका ऑप्शन ए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में है यदि 4 की पावर x 2 की पावर y इज इक्वल टू 128 तथा 3 की पावर 3x इंटू 3 की पावर 2y माइनस 9 की पावर एक्स वाई इक्वल टू 0 तो x प्लस वाई का मान हमें यहाँ पर निकालना है। जो वैल्यू हमारे पास दी गई है चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 4 की पावर x है, 4 का मतलब 2 की पावर 2 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर y इक्वल टू 128 का मतलब है 2 की पावर 7। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 2 की पावर 7, बेस हटा दीजिए
2x प्लस वाई इक्वल टू सेवन। अब आपको सोचना है कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है कि x और y पर रखने पर इसकी वैल्यू 7 आ जाए। तो x और y की जो वैल्यू होंगी, पॉसिबल वैल्यूज, वो होंगे एक तो 1 एंड 5। 2 1 जा 2, 2 प्लस 5 7 होता है। दूसरी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 2 रखिए, 2 2 जा 4, और y की वैल्यू आएगी 3। तीसरी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3 रखिए, 2 3 जा 6, और y की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 3 1। अब और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, अगर x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी x y की ये 3 पॉसिबल वैल्यूज हो गई। अब हम दूसरा देख लें, दूसरा हमारे पास है 3 की पावर 3x इंटू 3 की पावर 2y, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3x और प्लस 2y इक्वल टू 9 का मतलब 3 की पावर 2, इसको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, ट्रांसपोज करने पर ये आ जाएगा 3 की पावर 2, और 2 से एक्स वाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2x y। ये कैंसिल हो गया, अब ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 2xy। अब आपको सोचना है कि इन तीनों वैल्यूज में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो चलिए हम अगर हम पहली वैल्यूज को लेते हैं तो देखते हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर 3x है तो 3 1 जा 3, ये 3 हो जाएगा, और y की वैल्यू 5 है तो 5 2 जा 10, 10 और 3, ये इधर हो जाएगा 13, इधर 13 हो जाएगा, और इधर देखिए क्या है, एक्स वाई यानी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इधर 10 हुआ, इधर 13, यानी ये सही नहीं है। दूसरी वैल्यू को देखते हैं, एक्स की वैल्यू 2 लेते हैं तो 3 2 जा कितना हो जाता है 6, और वाई की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 2 जा हो जाता है 6, और इधर आप 2 इंटू x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, यानी 2 इंटू 3, क्या दोनों इक्वल है, 6 प्लस 6 12, 2 2 जा 4 3 जा 12, हाँ, यानी ये वैल्यू आपका सही है, ये सूट कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों इक्वेशन को जो है ये कॉमन वैल्यू ऐसी है जो सेटिस्फाई करेगी 2 और 3। तो हमारे पास क्या मिला, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 मिला। हमें क्या चाहिए, x प्लस y का मान चाहिए, तो x प्लस y का मान कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3, और 2 प्लस 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5। अब 5 का मतलब यह है कि आपका ऑप्शन बी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि x प्लस 1 अपान x इज इक्वल टू 2, तब x की पावर 2013 प्लस 1 अपान x की पावर 2014 इज इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीपीयू एग्जाम 2014 में आया हुआ है। ठीक, हमारे पास ये वैल्यू दिया है, यहीं से हमें कुछ मिल सकता है क्लू। ध्यान दीजिए, x प्लस 1 अपान x इज इक्वल टू 2, x एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपान x इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गया 1। ठीक, x की वैल्यू 1 आ गया, अब यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 2013 प्लस 1 की पावर 2014। तो आपको मालूम है कि 1 की पावर चाहे जितना कर दो 1 होता है, और प्लस ये 1 अपान 1, यानी 1 प्लस 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना, 2, और आपका आंसर है डी, ये आपका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 10 अपान अंडर रूट एक्स प्लस 4 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 10 इक्वल टू 5 अपान 2, तो एक्स का मान हमें निकालना है। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए मित्रों देखिए, ये हम आपको एक नया तरीका बताएंगे, क्योंकि इसको करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि इसी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना बड़ा ही लंबा हो जाएगा, इसका कोई सरल तरीका आपको होना चाहिए। आजकल जो है ये सारे नियम जो है सिलेबस में है नहीं, लोग इसको भूल चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि
कि अगर यहां पर मैं बता दे रहा हूं कि अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू अगर है सी प्लस डी, तो यहां पर जो है हम रेशियो प्रोपोर्शन का जो रूल लगाते हैं, सबसे पहले पहला रूल ये है कि कंपोनेंडो, कंपोनेंडो यानी योगानुपात, कंपोनेंडो सुन लीजिए योगानुपात, योगानुपात ये कहता है कि ए प्लस बी अपान बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपान डी, ये योगानुपात है। फिर यह है डिविडेंडो, डिविडेंडो का मतलब अंतरानुपात, अंतरानुपात ये कहता है कि ए माइनस बी अपान बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपान डी, ठीक है। अब अगर दोनों अनुपात को हम शामिल कर दें तो उसे हम कहते हैं योगांतरा अनुपात, इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब यह है कि यह है ए प्लस बी अपान ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपान सी माइनस डी, इसको याद रखिएगा, यह है कंपोनेंडो डिविडेंडो यानी योगांतरानुपात। और यह हमारा था योगानुपात यानी कंपोनेंडो, और यह हमारा था अंतरानुपात यानी डिविडेंडो, और दोनों को साथ में मिला दिया तो यह बन गया हमारा योगांतरानुपात यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब इसी चीज में ये आप जान लीजिए कि ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी है, तो हम इसमें लगा सकते हैं अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में क्या है, ये ट्रांसफर हो जाता है ये इधर यानी ए अपान सी इज इक्वल टू बी अपान डी, या हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, यानी डी अपान बी इज इक्वल टू सी अपान ए, इसे कहते हैं अल्टरनेंडो, ठीक है। और इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो भी होता है, इन्वर्टेंडो का मतलब यह है कि बी अपान ए इज इक्वल टू डी अपान सी, ये रेशियो प्रोपोर्शन के रूल है, मैंने यहां पर आपको बताया। अब इसी रूल को यहां पर हम फॉलो करेंगे, देखिए यह है ए प्लस बी अपान ए माइनस बी, और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे जो है, तो ए प्लस बी अपान ए माइनस बी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा जो है ए प्लस बी यानी ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपान ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/2 7 और 5 - 2 3, ठीक है। अब यहां पर देखिए बी और बी हमारा कैंसिल हो गया, और यहां पर ए और ए कैंसिल हो गया, यहां पर आएगा 2a और यहां पर आएगा 2b इज इक्वल टू 7/3, ये कैंसिल हो गया ए अपान बी, ए की वैल्यू है ये आपका आया अंडर रूट एक्स प्लस 4/ बी की वैल्यू है अंडर रूट एक्स -10 इज इक्वल टू 7/3, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे इधर रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 4/(x-10) इज इक्वल टू 49/9। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 49x-490 इज इक्वल टू 9x और प्लस 36। ट्रांसपोजिंग कर लीजिए 49x-9x इज इक्वल टू 490 और प्लस ये हो गया 36। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 40x, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 9 3 12 526, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, अब आपको x का मान निकालना है तो 526/40। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और अगर 2 से आप इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 20, ऊपर लिख देते हैं यहाँ नहीं दिख रहा है, 2 से ये है हमारा देखिए 5x इज इक्वल टू आया हुआ है 526/40, 2 से कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा, और 2 से करेंगे 2 टू जा 4 और 2 6 जा 2 3 जा 263/20, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, और ऐसा आंसर आपका है ऑप्शन सी, ये आपका राइट आंसर है।
तो मित्रों आशा करता हूं कि आज का वीडियो मेरा आपको पसंद होगा। तो अगर पसंद है तो इसको दूसरे मित्रों को भी जो है शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा, आपकी तैयारी कराता रहूँगा। नमस्कार।